एडवोकेट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के बैनर तले अधिवक्ताओं में बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सरकार से बलिया में फंसाए गए निर्दोष पत्रकार को तत्काल रिहा किए जाने और दोषियों को दंडित करने के साथ ही प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने पर विचार करने की मांग की गई। बुधवार को एडवोकेट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अधिवक्ताओं ने बलिया में नकल माफियाओं की सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार की तत्काल जमानत किए जाने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। सरकार से बलिया में पत्रकार को तत्काल रिहा किए जाने और दोषियों को दंडनीय कार्यवाही के साथ ही प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की। वहीं संयोजक हरकिशोर सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले में पत्रकार को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा कि बलिया में पत्रकार की गिरफ्तारी मीडिया पर लगाम लगाने की साजिश है। मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा गया कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर पत्रकार को रिहा किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थी उसमें चारों तरफ नकल माफिया सक्रिय था और प्रदेश सरकार के तमाम उसमें संरक्षण में जो ये प्राइवेट स्कूल है वो ठेके पर नकल करा रहे थे और बलिया का प्रशासन, जिला प्रशासन, डीएम, एसएसपी की उनसे खुलेआम साठगांठ थी। इसको उजागर किया जा रहा था लेकिन वहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एक साहसी पत्रकार और उनके साथियों ने इसको उजागर किया, इसको समाज के सामने सच्चाई को लाया गया तो वहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने उनके खिलाफ जिस तरीके से उन पे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है, सच्चाई को उजागर करने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और जो नकल माफिया है और उसको जो संरक्षण देने वाले सरकार के तमाम उच्च नेता हैं उसमें शामिल, हम उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जो सच्चाई उजागर कर रहे हैं उनको जो दबाया जा रहा है, प्रेस की आज़ादी पर जो हमला हो रहा है, हम इसका कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसी से संबंधित आज हम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। अगर उनको जल्दी ही रिहा नहीं किया गया तो ये आवाज़ पूरे प्रदेश में गूंजेगी। इस मौके पर विनोद कुमार विग एडवोकेट, सुशील कुमार, प्रदीप कुमार, अविनाश चंद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।